हाय फ्रेंड्स, आप सभी को सिनोस किचन में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आसामी स्टेंगा फिश करी। तो ये फिश करी खट्टा होता है, तो खट्टा वाला फिश करी। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही हेल्दी है, जो कि इसमें थोड़ा सा भी मसाला यूज़ नहीं होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ़िश करी के लिए 4 पीस कटला फ़िश लिया है और इसमें नमक और हल्दी अच्छे से लगा लेंगे। ये रेसिपी गर्मी के लिए बहुत ही परफेक्ट है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो अभी इसे थोड़े टाइम ऐसे ही रख देंगे। तो फिश टेंगा के लिए मैंने ये पत्ता लिया है जो कि खट्टा होता है। तो आज की रेसिपी के लिए यही मेन इन्ग्रीडियंट्स है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग मधुलेंग टेंगा पात बोलते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और लिया है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर जो कि मैंने छोटे छोटे पीस पे कट कर लिया है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लगेगा लहसुन, हरी मिर्च और मेथी सीड्स। तो सारा कुछ रेडी हो चुका है, अभी फ़िश करी बना लेंगे। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और अभी फ़िश को फ्राई कर लेंगे। तो फ़िश को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं, एक साइड फ्राई होने के बाद दिखा रही हूँ, अभी दूसरे साइड को भी फ्राई होने दूंगी और मैं फ़िश को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, तो फिश फ्राई हो गया है, अभी इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो इतना सा ही तेल में हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मेथी सीड्स और ये देख सकते हैं लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है। तो लहसुन थोड़ा सा भुन गया है, अभी इसमें ऐड कर दिया हरी मिर्च। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल के साथ। तो अभी गैस का फ्लेम लो कर दिया है और टमाटर को थोड़ा टाइम के लिए गलने देंगे। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम के बाद दिखा रही हूँ टमाटर गल चुका है, थोड़ा सा गल चुका है। और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़े टाइम बाद दिखा रही हूँ, टमाटर पूरा सॉफ्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं, अभी इसमें ऐड करूँगी ये खट्टा वाला पत्ता जो कि मैंने अच्छे से साफ करके धो के कट कर लिया है। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने टेंगा वाला खट्टा वाला पत्ता 1 मुट्ठी भर लिया था। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अभी गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। तो इसे थोड़ा टाइम ऐसे ही भून लेंगे। मसाला भूनने के जैसे भूनना नहीं है, बस थोड़ा टाइम इसे इस तरीके से हम लोग भून लेंगे गैस का फ्लेम हाई करके। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास पानी। तो अभी इसे ढक्कन लगा के उबलाने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी थोड़े टाइम बाद दिखा रही हूँ, तो ये देख सकते हैं उबल आ चुका है। तो अभी इसमें ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ फ़िश। तो ये देख सकते हैं, मैंने फ़िश ऐड कर दिया है। तो अभी गैस का फ्लेम हाई करके ही रखेंगे और इसे ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे से उबल आ चुका है। तो इसे बिना ढक्कन के ही 5 मिनट और उबालेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने देखा। तो ये देख सकते हैं, मैंने 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ये हमारा फिश टेंगा रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।